प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने निकल के आया है। अगर किसान भाइयों आपको भी इस योजना का लाभ लेना है या इसके लिए आवेदन करनी है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट गाइडलाइन सामने निकल के आ रहा है, जो कि जान लेना आप लोगों के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। साथ ही साथ किसानों के खातों में पहली दो किस्तें इसी फरवरी में आ सकती है, 4,000 रुपए आपको इसी महीने में मिल सकता है। इसके ऊपर भी हम आपको अपडेट देने वाले हैं। मैं हूं अमर, आप देख रहे हैं टेक गुप्ता यूट्यूब चैनल। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं इस इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। दोस्तों, हर वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध जरूर करता हूं, यारो आप हमारे जिस भी वीडियो को देखते हो उसे कम से कम एक लाइक जरूर कर दिया करो, क्योंकि आपका एक लाइक करने में आपका कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मेहनत नहीं लगती है, लेकिन उससे हमें काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी मोटिवेशन भी मिलता है, और इसी मोटिवेशन के कारण हम आपके लिए अगला वीडियो ला पाते हैं। चैनल पर नए हैं, हो सके तो यहाँ पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लेना और इस बेल आइकन नोटिफिकेशन को भी अलाउ कर देना। इससे ये होगा कि मैं जो भी वीडियो दूंगा उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएगी। अब दोस्तों, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के बारे में जानकारी लेने के लिए आपको आ जानी होगी सरकारीयोजना.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे। यहाँ पे आपको एक पोस्ट देखने को मिलता है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, चुनाव से पहले दिए जाएंगे 4,000, सरकार की तैयारी पक्की। यानी कि दोस्तों, तैयारी जो है पक्की हो चुकी है। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, केंद्र सरकार लोकसभा चुनाव से पहले हाल ही में घोषित हुए किसान सम्मान निधि योजना के पात्र किसानों को दो किस्तों का भुगतान करने की तैयारी कर रही है। तैयारी पूरी होती किसान के खाते में सीधे 4,000 रुपए आ जाएंगे, ऐसा कृषि मंत्रालय के द्वारा बताया गया है। वित्त मंत्रालय अरुण जेटली के अंडर जो भी ये वर्क चल रही है उसके अधिकारी के द्वारा ऐसी बातें बताई गई है। वित्त मंत्री पीयूष गोयल ने बजट प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पीएम किसान योजना को घोषित की। इस योजना के तहत 12 करोड़ लघु एवं सीमांत किसानों को प्रति वर्ष 6,000 का भुगतान सीधे खाते में 3 किस्तों में किया जाएगा। इस योजना के लिए 2 हेक्टेयर जमीन वाले किसान ही हकदार होंगे। पीएम किसान लाभार्थी की सूची जारी कर दी गई है, जिसको आप यहां से देख सकते हैं। गोयल ने बताया कि मार्च 2019 तक किसानों की इस योजना की पहली किस्त दी जाएगी, लेकिन चुनाव को ध्यान में रखते हुए सुनने में यह आ रहा है कि सरकार इसी माह फरवरी तक लाभार्थी किसानों के खाते में यानी 4,000 रुपये भेजेगी। केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की लाभार्थी किसानों की सूची जारी करने का आदेश दे दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर पूरा ब्यौरा, पूरा सीन क्या है, लोकसभा चुनाव आने वाला है और इस चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो किस्त मार्च में आना था उस किस्त को फरवरी में ही दिया जाएगा, और एक किस्त नहीं बल्कि दो दो किस्त दी जाएगी। और ये जो लाभार्थी की सूची है उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई है। लाभार्थी की सूची जो है दोस्तों, आप पंजीकृत किसान यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे और भी बातें इंपॉर्टेंट है जो कि आपको जान लेना जरूरी है। भूमि की जानकारी को डिजिटल कर दिया गया है। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो नया अपडेट आया है इसमें वो जान लेते हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभार्थी की जानकारी को लेकर एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। सूत्रों के अनुसार पता चला है कि पीएम किसान योजना का लाभ उन्हीं किसानों को दिया जाएगा जिनका किसान पंजीकरण हो चुका है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट मुद्दा, सबसे अहम बिंदु इस वीडियो का यही है, जिनका किसान पंजीकरण हो चुका है। पंजीकृत किसान अपना रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन व ऑफलाइन करवा सकते हैं। और यहाँ पे दोस्तों, पंजीकृत किसान के लिए या किसान पंजीकरण और पीएम किसान योजना आवेदन के लिए फॉर्म यहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें दोस्तों, जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा, इसको आप ओपन कर लेंगे। इसमें दोस्तों कुछ ज़्यादा अपडेट नहीं किया गया है, इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जोड़ा गया है। इसमें एक और फॉर्म दिया गया है जिसको जान लेना आप लोगों के लिए जरूरी है, जिन किसानों का पंजीकरण हो चुका है किसान रजिस्ट्रेशन के तहत। ये सेम सब वैसे ही है जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, रजिस्ट्रेशन का फॉर्म कुछ ऐसा ही होगा जैसा है। यहाँ पर बस एक चीज़ जोड़ा गया है, कृषि विभाग उत्तर प्रदेश किसान पंजीकरण फॉर्म इसमें जोड़ दिया गया है। जो पंजीकृत किसान नहीं है उनको अब अपना पंजीकरण पहले करवाना होगा, यहाँ पे टोटल ब्यौरा डाल के, यहाँ पे टोटल फॉर्म को फिल करके, और जैसे शपथ पत्र वगैरह था वैसे ही सब है। सब मैंने आपको पहले ही बता दी, हमारे चैनल पे वीडियो है कि किसान रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म कैसे फिल करना है, तो आप उसको देख लीजिएगा, मैंने पूरा प्रोसेस बताया है। अब दोस्तों, यहाँ पे मेन मुद्दा क्या है, मेन मुद्दा निकल के आया है कि पंजीकृत किसान होना जरूरी है। अगर किसान पंजीकृत नहीं है तो सबसे पहले उसे किसान पंजीकरण करवाना होगा, और किसान पंजीकरण के बाद ही वह योजना के लिए लाभ ले पाएगा। यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, किसान पंजीकरण क्यों नहीं दिया,
को दिया, यानी कि दोस्तों पंजीकृत किसान को ही दिया जाएगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ, साफ साफ लिखा गया है। सूत्रों के मुताबिक यह पता चला है कि जिन किसानों का किसान पंजीकरण हो चुका है उन्हें इस योजना का लाभ पहले चरण में दिया जाएगा, और जिन किसानों का किसान पंजीकरण नहीं हुआ है उनको इस योजना का लाभ सबसे पहले लाभ लेने के लिए सबसे पहले किसान पंजीकरण करवाना होगा और फिर पंजीकरण पीएम किसान आवेदन करना होगा। यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको पंजीकरण करवाना है, किसान पंजीकरण, जो कि आप अपने नज़दीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाकर करवा सकते हैं। आप किसी भी राज्य के हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, जम्मू कश्मीर, कहीं के भी आप हैं तो आपको सबसे पहले किसान पंजीकरण करवाना है, और पंजीकरण होने के बाद ही आप इसके लिए फॉर्म को भर के आवेदन कर पाओगे। ये जो फॉर्म है ये फॉर्म आपको भर लेना है। फॉर्म भरने के बाद दोस्तों ये जो फॉर्म है आपको अपने लोकपाल के पास जमा करनी है। ये वाला फॉर्म जो मैंने आपको बताया सरकारीयोजना.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पर लिंक दिया गया है। इसको भर के आप अपने जो है कृषि विभाग के मंत्रालय में जमा कर सकते हैं और वहां से आप इस योजना का लाभ ले पाएंगे। पूरी बातें आपको हमारे चैनल पे बताई गई है। तो दोस्तों यही काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट था, किसान सम्मान निधि योजना का पैसा आपके खाते में फरवरी तक आ जाएगा, और जिन किसानों ने अभी तक पीएम किसान योजना के लिए अपना आवेदन नहीं किया वो पहले किसान पंजीकरण करवाएं और उसके बाद वो अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें तो बिहार की एग्रीकल्चर वाली वेबसाइट पर, अगर आप आते हैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के वेबसाइट पर, मैं आपको एक मिनट दिखा देना चाहूँगा, जस्ट अ सेकेंड। तो दोस्तों यहाँ पे है एग्रीकल्चर डीबीटी की वेबसाइट है, ये हमारे बिहार की ई डिस्ट्रिक्ट की वेबसाइट है, बिहार डीबीटी गॉव की वेबसाइट है, और यहीं से जो है बिहार में किसान का पंजीकरण होता है। अगर आप बिहार के वीएल हैं तो आपको पता ही होगा, इसके बारे में जानकारी देने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे आप जो आएंगे ना तो सबसे पहले आपको देखने को मिलेगा किसान पंजीकरण, और किसान पंजीकरण होने के बाद ही आपको किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए आवेदन करने का लिंक मिलेगा। मैं इसका प्रूफ आपको दे देता हूँ। सिंपली अगर कोई आते हैं यहाँ पे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पे क्लिक करते हैं, इसके लिए आवेदन करने की कोशिश करते हैं, तो सिंपली दोस्तों उनको जो है यहाँ पे किसान पंजीकरण का लिंक देना होगा। किसान पंजीकरण को जो पंजीकृत संख्या दी जाती है, एक स्पेशल नंबर दिया जाता है, यूनिक नंबर दिया जाता है, वो नंबर उनको पहले डालना होता है यहाँ पे पंजीकरण संख्या, उसके बाद ही वो सर्च करेंगे और डाटाबेस अगर होता है फिर उसका आवेदन पीएम किसान योजना के तहत करा जा सकेगा। हर राज्य का अलग अलग होता है दोस्तों, आप अपने राज्य के आगे में डीबीटी एग्रीकल्चर उत्तर प्रदेश करके सर्च मार सकते हैं, वेस्ट बंगाल करके सर्च मार सकते हैं, राजस्थान करके सर्च मार सकते हैं, आपको कृषि विभाग की वेबसाइट मिल जाएगी जहां से आप किसान रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। सीएससी में भी इसका लिंक दिया गया है। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये जानकारी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगर आप टेक गुप्ता चैनल पर नए हैं हो सके तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, आपका दिन शुभ हो, जय हिंद, वंदे मातरम।